नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए गाजर के हलवे की टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज गाजर के हलवे को बनाना। इसके लिए सबसे पहले मैंने गाजर को अच्छी तरह से छील लिया है और उसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। गाजर का हलवा बनाने के लिए आप एक बात जरूर ध्यान में रखें कि आप मतलब जो रेड रेड कलर की गाजरें होती है ना वो लें। अगर आप ये रेड रेड वाली लेंगे तो इसमें ज़्यादा टेस्टी हलवा बनता है अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ गाजर। मतलब ये थोड़ा मतलब ऑरेंज जैसे दिख रही है, ये पीली वो जो भी बोल सकते हैं आप, तो मतलब ये जो रेड वाली होती है ना इससे ज़्यादा टेस्टी हलवा बनता है, क्योंकि मैंने बहुत बार बनाया हुआ है तो इससे ज़्यादा टेस्टी मेरे को लगता है। हलवे के लिए गाजर को कद्दूकस करेंगे। आप इसको थोड़ा मोटा या पतला अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। मैंने सारी गाजर को कद्दूकस कर लिया है, तो चलिए अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते। अब हम हलवे के लिए कढ़ाई में घी गर्म करेंगे। मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच घी कढ़ाई में डाला है और गर्म कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग घी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। मैंने इसमें पूरी गाजर ऐड कर ली है। अब हम इसे चलाएंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तब तक हम गाजर को चलाते रहेंगे जब तक कि इसका रंग चेंज ना हो जाए। कम से कम 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गाजर को अच्छी तरह से भून लिया है और गाजर का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिला लें। चीनी को अच्छी तरह से मिलाते रहें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि चीनी अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगी। ये देखिए, चीनी ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसको ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे और तब तक चलाएंगे जब तक ये पानी सूख नहीं जाता। आप देख सकते हैं कि चीनी का जो पानी था वो सारा सूख चुका है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। मैंने आधा कप दूध इसमें ऐड किया है। अब दूध और हलवे को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे, जब तक कि दूध मतलब पूरा सूख नहीं जाता, तब तक हम इसे ढककर पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा दूध पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर तक और पका लेंगे ताकि थोड़ा बहुत अगर दूध इसमें बचा हो तो पूरी तरह से सूख जाए। अब हम इसमें
एक चम्मच घी ऐड करेंगे, और घी को अच्छी तरह से हलवे में मिला लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं किए हैं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे दूसरे बर्तन में पलट देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। एक बार जरूर 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 ट्राई करें। धन्यवाद।